आपने कभी सोचा है मिस्टर शंकर, मैं गुरुकुल वापस क्यों आया? किसके लिए? जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये विक्की, ये समीर, ये करण कौन है मेरे? मैं तो उनको जानता भी नहीं था। मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानता था। मैं वापिस आया था आपके लिए मिस्टर शंकर। मैं वापिस आया था उस बाप के लिए जिसकी बेटी से मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं यहाँ वापिस इसलिए आया था क्योंकि वो हमेशा कहा करती थी कि मेरे पापा बहुत प्यारे हैं, ऊपर से सख्त हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम। बस मैं वह सख्त तोड़ने आया था। पता है मिस्टर शंकर, मेरे पास मेघा की कोई तस्वीर नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जहां पर भी मोहब्बत होती है मुझे वहां मेघा दिखती है। और मैं सोचता था कि आपके सामने एक भी मोहब्बत पूरी कर दूं, एक भी, तो आपको भी मेघा दिखाई दी जाएगी और आप देखेंगे कि वो कितनी खुश है, तो शायद आपका दर्द कम हो जाएगा। मैं आपका दर्द बांटने आया था मिस्टर शंकर, आपको मोहब्बत दिखाने आया, क्योंकि मैं एक बात समझ चुका था कि मेघा आपके बिना अधूरी है, लेकिन आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मेघा मेरे बिना भी अधूरी है। हम दोनों का साथ ही उसे पूरा कर सकता है। मैं वो पूरा करने आया था जो आप उसे जीते जी पूरा नहीं कर पाए। मैं मेघा को पूरा करने आया था। मैं मेघा को पूरा करने आया था। आप जिंदगी के हर जंग जीतते चले गए, मैं जिंदगी के सारे सहारे हारते चले गए। तब आप एक बेटी हारे थे, आज आप एक बेटा हारे। माफ कीजिएगा सर, पर मैं जहां से देख रहा हूं आप सब कुछ हार गए, क्योंकि जहां से मैं दिख रहा हूं मुझे एक जिद्दी बदनसीब इंसान दिख रहा है जो खड़ा है पीट करके उन दो लोगों की तरह जो उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है। माफ कीजिएगा सर।